पंजाब के मुजफ्फर से लूटपाट करके लौट रहे तीन व्यक्तियों को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी की सीआईए टीम ने दबोच लिया है, जिनके कब्जे से एक चुराई हुई रिवॉल्वर, दो कट्टे और 7 जिंदा रौंद और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान मुक्तारा निवासी राजेंद्र, सर्वजीत और हुसनप्रीत के रूप में हुई है। ज्यादा जानकारी देते हुए सीआईए जीआरपी प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग बैठे हैं जो लूट की वारदात को अंजाम देकर आए हैं और उनके पास हथियार भी हैं, जिन्हें रेड कर हमने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक चुराई हुई रिवॉल्वर, देसी कट्टे और जिंदा रौंद चाकू बरामद किए गए हैं। यह लोग पंजाब की तरफ से आ रहे थे और चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। फिलहाल इन्हें आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। कल हमारी टीम ट्रैकिंग पर थी तो हमें गुप्त सूचना मिली कि तीन व्यक्ति पंजाब से कोई वारदात करके आए और स्टेशन पर बैठे हुए हैं और उनके पास घातक हथियार है। तो हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की तो तीन आदमी, जिनमें नाम, एक का नाम रविंदर मालूम हुआ, एक का हसनप्रीत और एक जो है स्वर्णजीत सिंह है, और तीनों ये मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये कल लूट की वारदात करके परसों और वहाँ से माला आए थे और चंडीगढ़ वगैरह जाने के छुपने की फराक में थे, और इनको हमने राउंड अप किया। तो रविंदर के पास से एक रिवॉल्वर लूटा हुआ जो सरकारी ऑर्डिनेंस का वो है, पिस्टल है लाइसेंसड, और एक उसके पास से चक्कू बरामद हुआ कारण हुआ, और हसनप्रीत के पास से 3 रौंद जिंदा और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, और स्वर्णजीत से 4 रौंद और एक जो देसी कट्टा। टोटल कितनी रौंद जिंदा बरामद की थी जी? टोटल कितने जिंदा रौंद बरामद की थी? टोटल 7 रौंद जिंदा, 315 रौंद है। जैसे नहीं, इनके पास लूट का पिस्टल जो है, इनका लूट का ही सामान है, वो बरामद किया गया। डीएसपी गिद्रवा से हमारी बात हो गई है, उन्होंने इस बात में बड़ा अपसेट किया और उन्होंने बताया कि ये इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे वहाँ लूट के दर्ज हैं और वो इन माने भी हैं। सर, कहाँ के रहने वाले? ये तीनों मुक्तसर के रहने वाले हैं, आसपास के गांव हैं, साथ साथ वहीं के रहने वाले हैं। तीनों एक ही गांव के? सर नहीं, साथ साथ में गाँव हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। क्या इनका आज कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, आज कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड मांगा जाएगा और गहन तफ्तीश की जाएगी, क्या क्या वारदात की है, जहाँ जहाँ से लेके आए हैं, जहाँ लूट करके आए हैं, वहाँ सारी जगह ले जाया जाएगा। फिलहाल जो डीएसपी साहब ने बताया है वर्बली, उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ 2-3 लूट के मुकदमा दर्ज हैं, बाकी तफ्तीश के दौरान देख लेंगे इनका क्या रिकॉर्ड सामने आता है।